हेलो जी नमस्कार सलाम सत श्री अकाल विश यू ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से नमस्कार प्यार भरा सलाम सत श्री अकाल कैसे हैं जी आप सब लोग ऑल माई नीट 2022 ट्वेंटी टू बारह सितंबर 2021 इतवार का वो दिन वो तीन घंटे बीत चुके हैं नीट 2021 ट्वेंटी वन इज ओवर कितने बच्चों की उम्मीदें उस एग्जाम के साथ और बढ़ी कितनों के दिल भी टूटे होंगे कुछ को निराशा भी मिली पर कहते हैं जीवन में हारना कभी नहीं है हारा हुआ शख्स उसे कहते हैं जो गिर करके उठ नहीं सकता जो गिर करके फिर से उठे उसे हारा हुआ नहीं कहते हैं मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके साथ हूं नीट के इस सफर में स्क्रीन पे एक बार नजर डाल लेते हैं कौन कौन से राजा बेटा नवानी बेटियां हमारे साथ जुड़ चुके हैं वी हैव सायंतनी शिवम ऋतु अजय रोहिणी पप्पू ग्रेट कारण मोहित दुबे, गुड्डी सागर प्रतिभा रुद्र पटेल सूरज वंडरफुल सबका तहे दिल से स्वागत है सबसे पहले उस परमात्मा से उस परवरदिगार से उस वाहे गुरु से उस अल्लाह से उस जीसस से ये प्रार्थना करता हूं कायनात की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो सब आप तक पहुंचे शरीर में जब एनर्जी होती है स्फूर्ति होती है जीवन में आगे बढ़ने की चाह होती है सो बड़ी से बड़ी चट्टान भी छोटी लगती है जरूरी है आपके इरादे बुलंद होना कहते हैं डो नॉट फोकस ऑन द गोल फोकस ऑन द प्रोसेस उस प्रक्रिया के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए जो आपको उस गोल की तरफ ले जाती है आप सबको सफलता जरूर मिलेगी जो कमियां रह गई उन बच्चों के लिए ये कह रहा हूं जिन्होंने इस साल नीट एग्जाम दिया एग्जाम देने के बाद आपने देखा कि कुछ कमियां रह गई हैं वो कहते हैं ना कि संघर्ष का मैदान छोड़ करके यूं ही मत भागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़ करके के ही मत भागो तुम जब तक न सफल हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम जब तक न सफल हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सो so, आप सबके लिए मैं ढेरों दुआएं करता हूं और चाहता हूं कि नीट 2022 के एग्जाम में आप बेहतरीन रैंक के साथ अपने सपने को साकार करें चलिए सो so, मैं आपके साथ ये नया बैच यूट्यूब के इस माध्यम से शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हमारा मकसद और मेन फोकस रहेगा एन और और एनसीआरटी के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी बहुत से बच्चों का ये गिला था मुझसे कि सर आप बहुत ज्यादा पढ़ा देते हो हम इतना नहीं पढ़ सकते हमें थोड़ा कम पढ़ाइए चलिए आपकी पुरजोर डिमांड के ऊपर मैं मुख्य रूप से एनसीआरटी को ही मद्देनजर रखूंगा लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटेंस एनसीईआरटी के ही बताऊंगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो भाई मैं जरूर दूंगा बाईस साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो तो अपने आप ही जुबान पे आ जाता है उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता कहते हैं शिक्षक दरवाजा खोलते हैं लेकिन प्रवेश आपको स्वयं करना पड़ता है मैं आपके लिए दरवाजे खोल सकता हूं मेरे राजा बेटा रानी बेटियां मैं दरवाजा खोल सकता हूं परंतु कदम तो आपको स्वयं ही बढ़ाने होंगे प्रवेश तो आप ही को करना होगा सो मेरा सुझाव है खुद पढ़ाई करें यह अति आवश्यक है सही कहा ना जी मैंने सही बात बोली है मैंने आयुषी आजाद सूरज शेखर हर्ष सत्यम कुमार विशाल सागर सोनी ग्रेट मजा आ रहा है तो प्यारे प्यारे लाइक जरूर करते जाइएगा मेरी बात गौर से सुनिएगा हम अपने इन सेशंस को एनसीईआरटी पे फोकस रखेंगे मुख्य रूप से मेरे ये सेशंस अटेंड करने के बाद आपको एनसीआरटी पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी एक एक सेंटेंस का विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कई चीजें हिडन हैं, कोडेड हैं। उनके एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है मैं वो करूंगा इतमान से आराम से हम पढ़ेंगे ये सेशंस देखेंगे राइट यूनिट वन क्लास इलेवेंथ का जो है दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इस यूनिट में चार चैप्टर्स हैं चैप्टर वन इज लिविंग वर्ल्ड जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर टू इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर थ्री इज प्लांट किंगडम चैप्टर फोर इज एनिमल किंगडम ठीक है जी एक एक लाइन एनसीआरटी की एक एक डायग्राम आपके सम्मुख होगा एक एक चीज का विश्लेषण आपके साथ होगा जिन बच्चों के पास एन की सॉफ्ट कॉपी नहीं है जिन बच्चों के पास एनसीआरटी की सॉफ्ट कॉपी नहीं है वीडियो का ये डिस्क्रिप्शन देखिएगा वीडियो एंड होते ही वहां पे लिंक दिया होगा लिंक किस बात का मुझसे जुड़ने का व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करा आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए कोई ई e चाहिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं रेगुलरली मैं नीट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करता हूं बच्चों के साथ एंड आप सब उसका फायदा उठा सकते हैं ठीक है मेरे राजा बेटा सो so, स्टार्ट करते हैं फिर एक पॉजिटिव सोच एक पॉजिटिव एनर्जी एक झील के साथ आज के इस सेशन को कागज कलम अगर आप साथ रखना चाहें नोट्स के लिए तो आप रख सकते हैं इस पूरे सेशन का पीडीएफ का लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं चलिए जी बढ़ते हैं आज के पहले लेक्चर की तरफ लिविंग वर्ल्ड मैंने ये लाइनिंग एज इट इज एन में से ली है एनसीआर अगर आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में लिखा है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड आपके चारों तरफ की ये दुनिया कितनी खूबसूरत है कई तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं कुछ ऐसे जानवर हैं जो बड़े ही ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं कोल्ड माउंटेन्स में डेडस फॉरेस्ट में समुद्र में ओशन में फ्रेश वॉटर लेक में डेजर्ट में रेगिस्तान में हॉट स्प्रिंग्स में दे ऑल लीव स्पीचलेस एनसीआर कह रही है आपके चारों तरफ नजर दौड़ाइए जीवन कितने विभिन्न रूप और रंगों में प्रेजेंट है शायद ही पृथ्वी की कोई ऐसी जगह हो जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते इवन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में भी आप जानते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया के बारे में गर्म से गर्म इलाके में ठंडे से ठंडे इलाके में आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे परमात्मा के द्वारा प्रकृति के द्वारा जितनी ये संरचना की गई है चारों तरफ नजर दौड़ा के देखिए चाहे वो दौड़ने वाले घोड़े हैं चाहे वो माइग्रेट करने वाले बर्ड्स हैं चाहे वो हमलावर शार्क है इन्हें देख करके ही आपके अंदर एक उमंग दौड़ती है एक जिज्ञासा दौड़ती है कि आखिर जीवन क्या है वॉट लाइफ इज द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन पॉपुलेशन इवॉल्व करती हैं आप जानते हैं यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स मिलकर के पॉपुलेशन बनाते हैं वो इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं उनमें लगातार स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी है इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल है एंड एनवायरमेंटल स्ट्रगल भी है ये सारी चीजें एक जिज्ञासा पैदा करती हम में कि आखिरकार जीवन क्या है लाइफ क्या है दिस क्वेश्चन हैज टू इंप्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट इस सवाल ने स्वयं में अपने अंदर दो सवाल समेटे हुए हैं पहला जो है द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू वॉट लिविंग इज ये सारी लाइने एनसीआर की हैं एज इट इज गौर फरमाइएगा ऑल माई राजा बेटा ये सारी लाइने एनसीआरटी की है वॉट लिविंग इज एज अपोज टू नॉन लिविंग लिविंग और नॉन लिविंग जीवित और मृत के बीच में आखिर अंतर क्या है दूसरा सवाल थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता है कि जीवन का मकसद क्या है दो सवाल हैं, इज लाइफ एंड वॉट इज द पर्पस ऑफ लाइफ लाइफ का पर्पस जानना थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाता है थोड़ी सी अध्यात्म की बातें हो जाती हैं एक वैज्ञानिक होने के नाते एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते हम फिलोसफी वाले प्रश्न का तो उत्तर नहीं दे पाएंगे कि जीवन का आखिर मकसद क्या है परंतु हम यह जरूर जानेंगे दैट वॉट इज लिविंग ठीक है जी? समझ what is living? बिल्कुल युवराज डेफिनेटली प्रियांशु वंडरफुल जी मैं चाहूंगा कि आप यह लिंक ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि भारत के कोने कोने में बैठे हुए बच्चे ये लेक्चर देख पाए और इससे फायदा उठा पाए विद्या बांटने से बढ़ती है मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में ये कहता हूं तो आप अपनी तरफ से ये पॉजिटिव कर्म जरूर कीजिए इसी समय आप ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं चलिए जी। सी का कहना है वेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग जब हम जीवन की परिभाषा देने की कोशिश करते हैं वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव करेक्टर्स जब हम जीवन की परिभाषा देने की कोशिश करते हैं तो एक कन्वेंशनल एक पारंपरिक तरीका जो हो जाता है वो ये है दैट लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप ये देख लीजिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या फीचर शो करते हैं ग्रोथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स जो जो सेंटेंसेस मैंने पीले रंग से हाईलाइट करे हैं वो इंपॉर्टेंट है इसका मतलब है यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो गौर फरमाइएगा नीट में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर विच डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम करा एज एन एग्जामिनर पूरा एनसीआरटी में से उठाया जब हम जीवन को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो कन्वेंशनली हम कौन से करेक्टर्स ढूंढते हैं नंबर वन ग्रोथ नंबर टू रिप्रोडक्शन नंबर थ्री एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट नंबर फोर द एबिलिटी टू गिव अ सुटेबल रिस्पॉन्स अगर आप एनवायरमेंट को सेंस करेंगे तो उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे ये चार बातें सवाल हमने सॉल्व कर लिया कन्वेंशनली ये चार बातें ढूंढते हैं ग्रोथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड एबिलिटी टू गिव रिस्पॉन्स तो आंसर ही हो जाएगा कि ये चारों बातें जो है सो दिस कम्स टू यूर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक बात है गुंजन प्रियांशु सैफुर रहमान क्लियर है जी राजा बेटा ठीक है एक क्वेश्चन एनसीआरटी से यह फ्रेम करा दिया मैंने इनके अलावा कुछ और बातें भी हम ऐड कर सकते हैं एनसीआरटी कहती है वी कैन ऐड फ्यू मोर फीचर्स जैसे मेटाबॉलिज्म एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लीकेट स्वयं की कॉपीज बना पाना सेल्फ ऑर्गेनाइज स्वयं को ऑर्गेनाइज करके रखना इंटरेक्ट एंड एमरजेंस टू दिस लिस्ट तो एक सवाल जो और फ्रेम हो सकता है विच एडिशनल फीचर्स फीचर्स अदर दैन द कन्वेंशनल फीचर माइंड वेन लाइफ अदर दैन देशनल फीचर कन्वेंशनल तो अभी पीछे देखे हमने तो मेटाबोलिज्म एक इंपॉर्टेंट फीचर है मेटाबोलिज्म है शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शन है बिल्डिंग अप रिएक्शन ब्रेकडाउन रिएक्शन चीजों का निर्माण हो रहा है सेल के अंदर चीजें टूट रही हैं ग्लूकोज टूट रहा है ग्लाइकोलिस के जरिए अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं और प्रोटीन बना रहे हैं दैट इज सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल इन बॉडी राइट एबिलिटी टू सेल्फ हैंट डीएनए में यह खूबसूरत एबिलिटी है डीएनए अपनी कॉपीज बना सकता है सेल्फ ऑर्गेनाइज इंटरक्ट एंड एमरजेंस राइट ये और एडिशनल फीचर्स हैं इन एडिशन टू व्हाट द कन्वेंशनल फीचर्स एनसीआरटी ने इस प्रकार से इन बातों को लिखा है अन्वेशा खुशबू प्रियांशु क्लियर है बेटा राइट मेरे बच्चे चलो आगे बढ़ते हैं Now, अगर हमें जीवन को एक सेंटेंस के रूप में परिभाषित करना हो हालांकि ये बड़ा कठिन है वी कैन नॉट डिफाइन लाइफ वी कैन करेक्टराइज लाइफ लाइफ की करेक्टर्स दे सकते हैं लाइफ को एक सिंगल सेंटेंस में डिफाइन कर पाना बड़ा कठिन है क्यों क्योंकि लाइफ जो है कार्बोड्रेटिड है, 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 है. है परिफिशियली हम सेल नहीं बना सकते अगर मैं आपको यह सारी चीजें दे दू और कहू कि बेटा मुझे जीवन का निर्माण करके दिखाइए लेबोरेटरी में आप कहेंगे नहीं फ देर इज अ डिजाइन देर हैजू बी अ डिजाइनर जीवन का निर्माण करने वाला भी कोई रहा होगा जो आज तक शायद हम समझ नहीं पाए हैं इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन लाइफ यूनिक है, है विशेष है खास है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स बायो मोलिक्यूल जो आपने पढ़े हैं जो कि स्वयं को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन वो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं कई प्रकार की रासायनिक रिएक्शन होती हैं, जिसके कारण विच लीड टू ग्रोथ डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है याद कर लेते हैं लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच एक्सप्रेस इट्सल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन दैट लीड टू ग्रोथ डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिवनेस एडेप्टेशन रिप्रोडक्शन इन सभी चीजों को वो रिजल्ट करते हैं एक विशेष बात ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम ग्रो एनसीआर कह रही है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो वेरी गुड ग्रो करने से मतलब क्या है साइज में बड़ा हो जाना टू इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन साइज इंक्रीज इन नंबर संख्या में भी तो बढ़ते हैं एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है जैसे अमीबा है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस हो जाएंगे अमीबा नंबर में इंक्रीज हुआ तो मतलब वो रिप्रोड्यूस कर गया हमारे शरीर के सेल्स नंबर में इंक्रीज हुए तो हम एज इंडिविजुअल तो रिप्रोड्यूस नहीं करें सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सिंगल सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा है इंक्रीज इन मास वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एक और क्वेश्चन हमने फ्रेम कर लिया नीट में पूछा जा सकता है व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ आर इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ग्रोथ होता है प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को अगर आप टेक्निकली डिफाइन करें सुनिएगा बात मेरी बेटा हां जी लव कुश आप सही कह रहे हैं ग्रोथ को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें बेटा सो ग्रोथ का मतलब होता है लिखेंगे आप भी इफ यू आर कैरिंग अ कॉपी एंड पेन प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू किन कारणों से ड्यू टू बताइए प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्यू टू सिंथिस ऑफ निर्माण हो रहा है ड्यू टू सिंथ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाजम के अंदर जो है चीजें ड्यू टू सिंथिस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मेटिक सेल के बाहर दोनों सबस्टेंसेज एक सेल के अंदर भी चीजें निर्माण हो रही हैं सेल के बाहर भी चीजें डिपॉजिट हो रही हैं ये बाहर वाले एपोप्लाज्मेटिक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक तो हम कहेंगे सेल ग्रो कर रहा है एक इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है तो ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया ऑक्जेनोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ग्रोथ स्टडी ऑफ ग्रोथ इज लव कुछ बेटा <laughs> कैसे हैं सौम्या मृणाली स्वलेहा शिवम गॉड ब्लेस यू ऑल जाकिर जी रेगुलर क्लासेस लूँगा मैं आपके साथ टाइम टेबल भी शेयर करूँगा बहुत से बच्चों को ये नाराज़गी रहती है मुझसे सर आप रेगुलर नहीं आते समय भी थोड़ी सी पाबंदी हो जाता है बेटा लेकिन जो बैच आपके साथ शुरू करा है नीट ट्वेंटी जिसमें एन पढ़ाई जाएगी क्वेश्चन भी कराए जाएंगे चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा कि कब कब हम लेक्चर कर रहे हैं और हम साथ के साथ इसके क्वेश्चन भी करेंगे स्टडी मटीरियल भी दूंगा आपको आप पूरी तरह से अपनी चिंता मेरे पे छोड़ सकते हैं ऑक्जेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रोथ पर क्या केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं नहीं ऐसा नहीं है नॉन लिविंग चीजें भी तो ग्रो करती हैं है ना पत्थर पहाड़ माउंटेन समंदर ये भी तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन वो बाहर से ग्रो कर रहे हैं उनके ऊपर चीज़ें डिपॉजिट हो रही हैं जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंदर से ग्रो करते हैं ये अंतर है ध्यान रखना ग्रो तो नॉन लिविंग भी कर जाते हैं लेकिन बाहर से लिविंग वाले अंदर से अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिविजन लाइफ पहले यूनिसेलुलर थी फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने सेल डिविजन के कारण मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं जाइगोट एग्जाम्पल ले लो जाइगोट क्या है जाइगोट इज सिंगल सेल फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्सोट में क्लीवेज डिवीजन होती है, cleavage कहते है ना रिपीटेड रिदमिक माइटोटिक डिविजन विच कन्वर्ट्स सिंगल सेल्डोट इन टू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर तो भाई टू सेल्ड स्टेज आती है फोर सेल्ड स्टेज आती है ऐसे करके जायगोट से हमें मोरूला मिलता है मोरूला के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाती है ब्लास्टुला ब्लास्टुला के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाती है गैस्ट्रुला राइट right, जी उसके बाद क्या बन जाता है जी फिर फीटस है राइट एम्ब्रियो देन फीटस उसके बाद न्यूबॉर्न बेबी तो ऑफकोर्स अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की भी बात करें वी आर मल्टी सेलुलर हाउ वी आर ग्रोइंग बाय सेल डिविजन सेल डिविजन में भी आपको माइटोसिस के बारे में बताऊंगा प्लांट्स के केस में क्या होता है अगर हम जानवर और प्लांट्स को कंपेयर करें पेड़ पौधे जीवन भर ग्रो करते रहते हैं इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन इंपॉर्टेंट प्लांट्स में ये वाली ग्रोथ जो है कौन सी सेल डिवीजन वाली ग्रोथ इट अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन अच्छा कौन से सेल्स होते हैं प्लांट्स में उनको क्या बोलते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं कैन यू टेल मी हां जी आकाश बेटा बताओ प्रियांशु सर्वेश उदिप्तो ब्यूटीफुल नेम उदिप्तो जल्दी से बताओ जी जल्दी से मैंने क्या पूछा है प्लांट्स में वो कौन से सेल्स हैं जिनमें ये काबलियत है कि वो कॉन्टिन्यूसली नए सेल्स बनाते रहते हैं वेरी गुड गुंजन जी ने कहा मेरिस्टमेटिक सेल्स एकदम सही सोनम बेटा आपका जवाब भी सही है जी बिल्कुल लाइक like, रुद्र रुद्र कह रहे हैं सर आपको मेरी मम्मी टीवी पे देखती हैं मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार जी सबको मैरिस्टमैटिक एकदम सही जवाब है सो so, प्लांट्स में मैरिस्टमैटिक टिश्यू होने के कारण उनमें ये काबिलियत रहती है हमारे शरीर में तो कोई ऐसे मैरिस्टमैटिक टिश्यू नहीं है लेकिन ह्यूमन स्किन हमारी स्किन की एक लेयर होती है दैट इज ट्रेटम वो लेयर जो है स्किन की उससे लगातार सेल्स बनते रहते हैं स्किन में कौन सा एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम तो स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स के सेल्स लगातार टूटते रहते हैं और नीचे से नए सेल्स बनते रहते हैं राइट right? लेकिन शरीर के सारे सेल्स में ये काबिलियत नहीं है बोन मैरो में है हेमटोपोएटिक सेल्स हैं बोन मैरो के हेमटोपोएटिक सेल्स नए सेल्स बनाते रहते हैं आरबीसीस डब्ल्यूबीसीस प्लेटलेट्स ठीक है प्लांट्स ओवरऑल ग्रो कर रहे हैं इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण सूरज सूजल आदित्य हिमांशु बिल्कुल सही बात है जी आपकी ठीक है राइट right. हमारा टारगेट था कि आज हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ें मैं फिर से एक बार गुजारिश करूंगा यदि आपके लिए संभव हो लेक्चर लिंक ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए अपने साथ जोड़िए आप हमेशा याद रखना जितने लाइक लाइक माइंडेड लोग like इच्छा रखते हैं जो कॉमन इच्छा रखते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं ना तो एनर्जी का ऐसा संचार होता है कि सब एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं और एक कॉमन गोल जब एक पूरा मकसद बन जाता है तो डेफिनेटली आप उसे अचीव कर पाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अटन एज अच्छा यहां पे क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इज फॉल्स तो ध्यान रखना है प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होता रहता है सेल डिविजन के कारण एनिमल्स में एक खास उम्र तक एक सर्टन एज तक

स्किन के केस में जो जर्मिनेटिव लेयर है इसके अलावा हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो बोनमेरोमोपोएटिक अब आप कहोगे ये एनसीआरटी में नहीं था तो ये एक्स्ट्रा बात पता होनी चाहिए ना एनसीआरटी ने, ने सेंटेंस लिखा है कि कुछ सर्टन टिश्यूज में सेल डिविजन होती रहती है टू रिप्लेस द लॉस पार्ट तो बताओ फिर कौन से स्किन एंड हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स याद रहेगा ये एक और क्वेश्चन फ्रेम कर दिया हमने एनसीआरटी से बाहर नहीं गए ज्यादा आपको समझा दिया वूंड हाँ, हीलिंग के लिए बिल्कुल सही स्किन का एपिथिलियम किसी ने पूछा है मैं लिख रहा हूं स्किन में होता है जी स्ट्रेटिफाइड कैरेटिनाइज है स्किन का एपिथिलियम कैरेटिन प्रोटीन होता है स्ट्रेटिफाइड कैरेटिनाइज स्क्वामस एपिथीलियम स्किन के सेल्स लगातार टूटते रहते हैं एक चीज और ध्यान रखना स्किन इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन ऑफ योर बॉडी हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा भी स्किन है स्किन इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी आगे बढ़ते एन की अगली लाइन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिविजन जो सिंगल है अमीबा है जैसे यूनिसेलुलर है अब इसको ग्रो कराना है तो मैं कहूंगा भाई एमीबा इज गोइंग टू डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर एमीबे आप कहेंगे सर ये ग्रोथ थोड़ी हुआ ये तो रिप्रोडक्शन हुआ आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हो कि अमीबा ग्रोज बाय सेल डिवीजन यस इट ग्रोज बाय सेल डिवीजन तो ये तो रिप्रोडक्शन है इसका मतलब है यूनि सेलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिमस बात है एक ही बात है वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इनविट्रो कल्चर में बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप इनविट्रो चलो कोई मुझे इस शब्द का मतलब बताओ कि इन विट्रो शब्द का मतलब क्या वट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इन विट्रो एनसीआरटी कह रही है यदि आप सिंगल सेल्ड में सेल डिविजन के द्वारा ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आप इसे इनविट्रो कल्चर मीडियम में एक माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं प्रशांत बेटा बताओ वट इज द मीनिंग अच्छा गुंजन ने सही बोला है ये। गुंजन ने सही बोला विट्रो का मतलब होता है कांच इन द ग्लास विट्रो वर्ड इज ग्लास

ध्यान रखना है ना इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ज्यादातर जितने हायर एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स में इन दोनों में ग्रोथ एक अलग बात है रिप्रोडक्शन एक अलग बात है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लियर है जी लेकिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ये एक ही बात हो जाएगी ना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ठीक है ये कहना चाह रही है एनसीआरटी यहां पे ध्यान रखना वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ याद रखिएगा शरीर का मास बढ़ना ग्रोथ है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ अब देखिए ये कॉन्ट्राडिक्टिंग बात आ गई कि जो नॉन लिविंग है ऑब्जेक्ट्स कोई भी नॉन लिविंग चीज पहाड़ ले लिया समंदर ले लिया अगर ग्रोथ को लेके चलोगे तो वो भी तो ग्रो कर रहे हैं मास अगर मास वाली बात लोगे इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ देन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो तो फिर तो हम फंस गए हम लाइफ के लिए डेफिनेशन ले रहे थे कि जो ग्रो करता है वो लिविंग है नहीं ऐसा नहीं चलेगा नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है लेकिन वो बाहर से कर रहा है वो अंदर से ग्रो नहीं कर रहा माउंटेन्स बॉल्डर्स एंड सैन माउंट डू ग्रो हाउ एवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इंपॉर्टेंट ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वो किस तरीके से है एक्यूमलेशन ऑफ मेटीरियल ऑन द सर्फेस धूल मिट्टी कण जितने भी डिपॉजिट होते जा रहे हैं कोई चीज बड़ी 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 होती जा रही है भाई ये लिविंग नहीं कहलाएगी मास बढ़ रहा है ठीक है लिविंग तो नहीं है ना एग्रीड सहमत है मेरी बात से जी राइट जी इंट्रेंसिक ग्रोथ एक बच्चे ने इंटरसिक ग्रोथ कहा है वेरी गुड वेरी गुड विनायक जी ठीक है आप इंट्रेंसिक ग्रोथ वाली बात सही है हिमांशु सही कह रहे हो आउटसाइड ग्रोथ हो रही है यहां पर एक्रीशन इंटू बताऊंगा वो भी मैं फिर फिर लेकिन आप कहते हो सर आप एनसीआर से बाहर चले गए हमें तो डर लग रहा है जो सेंटेंसेस मैंने येलो करे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड इंपॉर्टेंट लिविंग में ग्रोथ अंदर से है सो ग्रोथ देअ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनसीआरटी ने स्वयं ही क्लियर कर दिया ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते ये बात इंपॉर्टेंट है ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्योंकि स्पेसिफाई करना पड़ेगा इंट्रेंसिक ग्रोथ राइट नॉट द एक्सट्रेंसिक ग्रोथ वो तो नॉन लिविंग में भी हो रहा है राइट जी कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड करेंगीच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हालातों में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है इंटरेंसिक ग्रोथ सो रिमेंबर अबाउट दिस टर्म खास कंडीशन की इंटरसिकली हो रहा है इंट्रेंसिक ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है राइट जी क्लियर है ओके शिवम कह रहे इलेवंथ का ही तो है कि इसे वही बच्चे देखें जिन्होंने इलेवंथ का सिलेबस तो उन्होंने भी पढ़ना ही है ना चलो अब एक विशेष बात मैं बता दूं जी जो बच्चे नीट के एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप मेरी बुक में से कर सकते हैं दिस बुक

जो मर गया है वो ग्रो नहीं करता अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो दिस इज इंपॉर्टेंट कई बार आपने सुना होगा कि मृत्यु के पश्चात मतलब इंसान जब मर गया है तो उसके नाखून लंबे होते जा रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं ये गलत है नाखून लंबे नहीं हो रहे नाखूनों के नीचे ये जो चमड़ी होती है ना जो स्किन होती है ये सिकुड़ने लगती है स्किन सिकुड़ जाती है सो नेल्स अपियर टू बी लॉन्गर द सेम अप्लाइज टू शेव ऑल्सो राइट right? ये जो बाल है दाढ़ी के बाल मान लीजिए कोई मेल पर्सन है राइट right? उसकी डेथ हुई और जिस समय डेथ हुई है उस समय बिल्कुल भी आपको फेशियल हेयर नहीं दिख रहे थे एक दिन बाद दो दिन बाद देखेंगे आपको बाल नज़र आने लगेंगे तो आपको लगेगा कि बाल उग गए तो ग्रोथ हो रही है नहीं चमड़ी सिकुड़ रही है स्किन के सिकुड़ जाने से वो बाल ज़्यादा नजर आने लगते हैं सो so, नेल हो या हेयर हो वो डेथ के बाद ग्रो नहीं करते हैं राइट एंटायर बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी बेटा जी चिंता मत कीजिए इज इट क्लियर राइट एक गुजारिश करूंगा आपसे कि जब आप यूट्यूब पे अपनी आईडीज बनाते हैं तो अपने नाम से बनाया कीजिए ऊट पटांग इधर उधर की जो चीजें आप लिख लेते हैं थेनोस है थॉर है डोरेमोन है और फिर आप मुझसे चाहते हैं मैं आपके नाम लूँ तो ये बेकार की बातें हैं जो भी इस तरह की आईडीज बना के आएंगे मैं कभी उनके नाम नहीं लूंगा यूट्यूब पे राइट right? आवेश फैजान चेतना हर्षित हिमांशु निकु मृणाली जिनके सेंसिबल नाम होंगे आपका नाम आपकी पहचान होता है उसको ऊटपटांग तरीके से बिगाड़िए मत चलिए देखिए ग्रोथ का जिक्र कर लिया हमने नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फीचर आराम आराम से हम चलेंगे हमारे पास बहुत समय है कोई भागना दौड़ना नहीं है मेरा मकसद है पूरी एनसीआरटी समझ आए आपको रिप्रोडक्शन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरी गुड रिप्रोडक्शन इज दी एबिलिटी टू प्रोक्रिएट राइट निर्माण करना जीवन का लेकिन अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो क्या वो नॉन लिविंग है ये गलत है भाई कई एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे वर्कर बीज हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती म्यूल हिनी ये स्टेराइल हैं हाइब्रिड्स हैं राइट right? स्टेराइल हैं या कुछ ह्यूमन कपल्स जो स्टेराइल हैं तो ये तो नहीं कह वो नॉन लिविंग है समझे आप बात रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक जरूर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन मल्टी सेलूलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर जानवरों में रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दो रिप्रोडक्शन सादी भाषा में क्या है रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी टू प्रोक्रिएट आपने दो स्ट्रेटेजीज पढ़ी हैं रिप्रोडक्शन की एसेक्शुअल एंड सेक्शुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर स्ट्रेटजी क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैरायटी आती है वेरिएशन आती हैं एंड वेरिएशन प्रोवाइड रॉ मटीरियल फॉर इवोल्यूशन इनवेरिएबली एंड इंप्लिसिटली वी रेफर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना तो मेन बात दिमाग में आती है इनवेरिएबली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही आती है लेकिन ध्यान रखना रिप्रोडक्शन ए भी होता है तो एनसीआरटी ने अगले सेंटेंस पे एम्फोसिस दिया ऑर्गेनिजम रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन ऑल्सो बडिंग है ब्रांचिंग है फेगमेंटेशन है है ना बाइनरी फिजन जिसमें इनरेगुलर बाइनरी फिजन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन ऑब्लीक बाइनरी फिजन देन मल्टीपल फिजन ये सब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ही तो तरीके हैं लेकिन जब भी कभी रिप्रोडक्शन वर्ड दिमाग में आता है तो ज्यादातर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही हमारे दिमाग में आती है आगे बढ़ते हैं तो दिखता है कि एन ने कुछ कुछ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के तरीके बताए हैं हालांकि ये सारी बातें क्लास ट्वेल्थ का जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ये वहां भी डिस्कस करनी है हमने फंजाय का अगर हम जिक्र करें अलग एनिमल अलग एनिमल के अलग अलग किंगडम्स हैं किंगडम एनिमेलिया किंगडम प्लांटे किंगडम मोनेरा प्रोटेस्टा किंगडम फंजाय। फंजाय जो है फंगस जो है फफूम दे मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस तो फंगस में स्पोर्स है अगर आप हाइड्रा की बात करें ईस्ट की भी बात करें तो बडिंग है हाइड्रा बिलोंग्स टू तो फाइलम बडिंग होता है उसमें एक्सटर्नल बडिंग है स्पॉन्जेस में भी एक्सटर्नल बडिंग है और स्पॉन्जेस में इंटरनल बडिंग भी होता है अलग से गैम्यूल फॉर्मेशन होता है प्लेनेरिया फ्लैटवर्म जो है है का मेंबर वहां पे हमें देखने को मिलता है। एक प्लेनेरिया के आप टुकड़े काट दीजिए तो आपको उन टुकड़ों से अलग अलग प्लेनेरिया मिल जाएंगे मतलब फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजेनेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म तो यहां पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि प्लेटी मेंबर बता दीजिए जिसके आप टुकड़े कर देंगे तो आपको नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे फिलामेंटस प्रोटोनिमा ऑफ ये हम पढ़ेंगे आगे जब हम ब्रायफाइड टेरिडोफाइड एलगे फंजाए पढ़ेंगे वहां मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो फनजाए में फिलामेंटस एलगे में आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है ठीक है जी सो so, कहने का मतलब क्या था एनसीआर रिप्रोडक्शन को लाइफ का एक फीचर ले रही है कैरेक्टरिस्टिक ले रही है बट अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वो नॉन लिविंग हो जाएगा क्लियर है जी राइट नाउ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलर और एलगे एमीबा इनमें यही बात जो एम्फोसिस दे रहा था रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ एक और क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो जाएगा इन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया यूनिसेलर एलगे और एमीबा ऑप्शन नंबर वन रिप्रोडक्शन इज नॉट सिनोनिमस विद ग्रोथ ऑप्शन नंबर टू रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ ऑप्शन थ्री रिप्रोडक्शन अकर्स बट ग्रोथ डजेंट अकर फोर्थ ग्रोथ अकर्स रिप्रोडक्शन डजेंट अकर घुमाना है सेंटेंस को कैसे भी घुमा दो तो आपको ध्यान रखना है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होना और रिप्रोडक्शन होना एक ही बात है थोड़ी देर पहले जिक्र किया था अमीबा ग्रो करेगा एक से दो बनेगा एक से दो बनना ग्रोथ तो है पर साथ के साथ रिप्रोडक्शन भी तो है वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि ग्रोथ मतलब सेल का नंबर बढ़ना मास बढ़ जाना सो वी नोटिस दैट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूज ऑफ दीज टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन Another important sentence, टी कहती है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम में हम इस चीज को क्लियर कट डिमार्केट नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों टर्म्स को कैसे इस्तेमाल करें ग्रोथ को ही रिप्रोडक्शन कहें या रिप्रोडक्शन को ही ग्रोथ कहें इसलिए हमने सिनोनिमस कह दिया शिवम ठीक है जी नहीं जी मैं किसी से भी गुस्सा नहीं हूं राइट <laughs> right, चलिए आगे बढ़ते हैं हनी बीज मधुमक्खियां एपिस इंडिका एपिस डॉटसाटा एपिस फ्लोरिया क्या आपको पता है अगर दुनिया भर की मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो अकाल वाली सिचुएशन आ सकती है अनाज के लाले पड़ जाएंगे क्योंकि मधुमक्खियां ही परागण करती हैं पॉलिनेशन करती हैं राइट सुनिए, देर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस देर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस जैसे म्यूल राइट right? हिनी स्टेराइल वर्कर बीज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स बहुत से ऐसी एग्जांपल्स मिली जो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रही तो ये नॉन लिविंग तो नहीं है ना म्यूल आपको पता है किसके और किसके बीच में हाइब्रिड होता है म्यूल किसके और किसके बीच में चलो बताओ फीमेल हॉर्स इज मेयर हॉर्स और डंकी के ही है ना म्यूल है हिनी है सुना है आपने फीमेल हॉर्स इज मेयर मेर क्या है फीमेल हॉर्स लिख दो यहां पे ना क्या क्या एग्जांपल्स बोले मैंने एक मैंने आपको बोला हिनी एक बताया भी अभी अभी म्यूल ये स्टराइल हाइब्रिड्स है ऐसे ही और भी हैं एनिमल किंगडम में स्टेराइल हाइब्रिड्स की स्वामी so, कह सकते हैं रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज पहले ग्रोथ का जिक्र करा था फिर पता चला ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता रिप्रोडक्शन का जिक्र करा तो भाई रिप्रोडक्शन भी एक ऐसा ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं है ठीक है जी सो ऑफकोर्स हा ये बात जरूर है नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लीकेटिंग बाई इट सेल्फ हाँ ये बात डेफिनेट है रिप्रोडक्शन डिमार्केट्स लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग बिकॉज नॉन लिविंग डू नॉट रिप्रोड्यूस बट हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो लिविंग नहीं है क्लियर हो गई ये बात ठीक है जी राइट right? शिवम चलो आगे बढ़े अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म लाइफ का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं शरीर के सेल्स में हर इंडिविजुअल सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है एंजाइम्स प्रेजेंट है एंजाइम्स आर व्हाट दे आर बायो कैमिकल कैटालिस्ट बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मेटाबॉलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स ये केमिकल्स छोटे हैं बड़े हैं अलग अलग साइज के हैं अलग अलग तरह के हैं कॉन्स्टेंटली बन रहे हैं और चेंज हो रहे हैं दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में These conversions आर केमिकल reactions और द मेटाबॉलिक reactions. सो so, metabolism दो तरह का है आपने पढ़ा है कौन कौन सा दो तरह का metabolism है एक होता है बिल्डिंग अप reactions, एक होता है breakdown reactions। यानी एक है कैटाबॉलिज्म टूटने वाला चीजों का टूटना इस कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव पाथवे एंड second इज anabolism चीजों का बनना इज anabolism। एक ही समय पर दोनों हो रहा है ऐसा नहीं कि पहले कैटाबॉज हो जाएगा फिर एनाबोलिज्म होगा ना 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 दोनों चीजें साथ साथ हो रही है अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं प्रोटीन बन रहे हैं प्रोटीन टूट रहे हैं अमीनो एसिड बन रहे हैं ग्लूकोज टूट रहा है ग्लाइकोलिस हो रहा है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली ग्रोथ तब होती है जब डोमिनेट्स कैटाबोलिज्म कोई चीज ग्रोथ तो तभी करी ना जब उसमें बिल्डिंग अप प्रोसेस ज्यादा हुई एनाबॉलिज्म इज बिल्डिंग अप कंस्ट्रक्टिव पाथवे कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन इट इज अ डिस्ट्रक्टिव पाथ चीजों का टूटना कैटाबॉलिज्म दोनों साथ साथ हो रही है देर आर थाबोलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली ये बात ध्यान रखना है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले एनाबॉलिज्म होता है बाद में कैटाबॉलिज्म ना 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 साइमल्टेनियसली ना, ना, ना. मतलब साथ साथ इन साइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेल्युलर है Now, मेटाबॉलिज्म सभी शो करेंगे प्लांट्स एनिमल्स फंजाई माइक्रोब्स एवरीथिंग ऑल प्लांट्स एनिमल्स माइक्रोब्स दे शो मेटाबॉलिज्म राइट डेफिनेशन क्या है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन योर बॉडी दैट इज मेटाबॉलिज्म राइट सोनू मोहम्मद नुरानी क्लियर है जी राइट अनुप्रिया मृनाली ग्रेट राइट चल ट एक्सिबिट मेटाबोलिज्म एक बात क्लियर कट है कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबोलिज्म शो नहीं करता ना ही कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है अब यह भी एनसीआरटी ने कहा नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज रिप्रोडक्शन अब कहा कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबोलिज्म शो नहीं करता हा मेटाबोलिक रिएक्शन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ्री सिस्टम्स ये बात ध्यान रखना आप यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर मेटाबॉलिक रिएक्शंस इंडिविजुअल रिएक्शन शो करना है रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन फ्री सिस्टम फ्री सिस्टम क्या है मतलब कि आपने सेल्स नहीं लिए सिर्फ आपने कोई सोल्यूशन ले लिया आपने उसमें मान लीजिए आपने कोई प्रोटीन डाल दिए आप चाहते हैं वो प्रोटीन टूट जाए और अमीनो एसिड बने तो आपने प्रोटीएस एनजाइम डाल दिया वो प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बना देगा तो सेल्स तो प्रेजेंट नहीं थे वहां पे सिर्फ एंजाइम लिया और एक सबस्ट्रेट लिया कहने का मतलब है एक सेल फ्री सिस्टम लेके आप सबस्ट्रेट लीजिए उस सबस्ट्रेट के ऊपर एक एंजाइम को एक्ट एक करने दीजिए एंड यू विल फाइंड दैट द एंजाइम हैज कन्वर्टेड इट इनटू टू प्रोडक्ट तो ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम ये जो मैंने कटोरी ऐसे दिखाई दिस इज सेल फ्री सिस्टम ठीक है सो एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्टिव इसको ना लिविंग कहेंगे ना इसे नॉन लिविंग कहेंगे ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई एंजाइम के जरिए ये क्या है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म

जीवन में जिससे भी आप सीखें ना कुछ भी उसके लिए विनम्रता जरूर रखिए आप झुक करके ही सीख सकते हैं अकड़ के साथ कोई चीजें नहीं सीखी जाती एनर्जी का फ्लो ही नहीं होगा आपकी तरफ अगर आपने किसी प्रकार की कोई अकड़ है कोई सुपरियोरिटी आप रखते हैं कोई जलन की भावना कुछ भी अगर आप में है तो वो गलत है झुकना पड़ता है और थैंकफुल होना पड़ता है और अननेसेसरी किसी के लेक्चर्स को डिसलाइक कर देने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा आप स्वयं अपनी तरफ नेगेटिविटी को आकर्षित कर रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सो नेवर एवर डू दैट ट जी सर्जरीज भी दिखाऊंगा आपको डेफिनेटली सर्जरीज दिखाएंगे जी क्यों नहीं दिखाएंगे सो so, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और एक बात जो मैंने भी बीच में बताई थी कि दोज हु टू बाय दिस बुक ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी यू कैन कॉन्टेक्ट एट द गिवन व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ वो आप देख सकते हैं ठीक है जी नाउ ध्यान से सुनो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग देने शब्दों पे एनसीआरटी ने कहा वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर इंपॉर्टेंट इज मेटाबॉलिज्म अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म ना होता हो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो मेटाबॉलिज्म एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन दो अलग शब्द हैं ध्यान रखना आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो कांच में ग्लास में वो ना तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स बट दे आर लिविंग रिएक्शन, रियक्शन ऐसा रिएक्शन है जो लिविंग है वो लिविंग थिंग नहीं है इस चीज पे इस वर्ड पे एम्फोसिस दीजिएगा आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो लिविंग थिंग नहीं है वो लिविंग रिएक्शन है ठीक है जी क्लियर है अभी बात क्लियर हुई बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में मेटाबोलिज्म शरीर के सेल्स में हो रहा है सभी लिविंग में होता है जो आपने मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी करा इन लिविंग थिंग नहीं है वो लिविंग रिएक्शन है तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स इंपॉर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी हमारा शरीर सेल से बना है हजारों लाखों करोड़ों सेल से बने हर सेल की भी अपनी डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन है सेल हैज डिफरेंट ऑर्गेनल्स इज इज न्यूक्लियस गोल्जी ऑर्गेन्यूक्स माइट्रोकॉन्ड्रिया कितनी सारी ऑर्गेनल्स है सेल में एक डेफिनेट तरीके से ऑर्गेनाइज है हर चीज हम जिक्र करेंगे कोमा पेशेंट का भी जिक्र करेंगे बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल. चलिए आज के लिए मैं चाहूंगा कि हम इतना ही रखें मैं आगे की स्लाइड्स आपको दिखा देता हूं आने वाली स्लाइड्स में हम सेंस का जिक्र करेंगे राइट right, जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स दायरमेंट हमारे पास नेचर ने सेंस ऑर्गन दिए अलग अलग तरह के है ना इवन सिंपल से सिंपल प्रोकेरियामेंट को जो है सेंस करता है, अवेयरनेस है लेकिन सेल्फ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस केवल इंसानों में है आप में स्वयं को समझने की जानने की काबिलियत है हम जानेंगे अगले सेशंस में कि कोमा में पड़ा हुआ पेशेंट लिविंग कहलाता है या नॉन लिविंग कहलाता है राइट ये सारी चीजें अगले सेशन में पढ़ेंगे जुड़े रहिएगा आप मेरे साथ अब रेगुलरली कहीं जाना नहीं है छोड़ के मैं अपने इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप स्टेटस पे टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूं मेरा व्हाट्सएप नंबर है यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू योर करियर कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कॉल्स नहीं करेंगे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ओके टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम का ऐप अपने सेलफोन में इंस्टॉल कीजिए उसके बाद टी डॉट एम ई स्लैश डी आर सचिन कपूर के पी यू आर बहुत सारे फेक आईडीज भी बना रखी हैं बच्चों ने मेरे नाम से कृपया उनसे बचिएगा ठीक है जी सो याद रखिए जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है सुख चैन नींद आराम तभी जाकर के आपको सफलता मिलती है चलो मिलते रहेंगे आपसे रेगुलर एनसीआर एक्सप्लेन की इस सीरीज में वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल